يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بنياز الله اس کلام دا ثواب بانیان مجلس دے مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما خصوصاً نذیر حسین مولا دا بڑا پیارا حقدار سی مولا دے درجات بلند فرما اور دے بچیاں دی زندگی دراز تنویر حسین دے رزق بخت عزت وچ مولا اضافہ فرمائے سجاد حسین نوں اس دے ساتھیاں نوں مولا ہر دکھ درد بلا تو محفوظ رکھے میرے مالک اس بارگاہ دی رونق نوں تا قیامت آباد کشاد رکھے ایک ہی رمضان دی صبح دی مجلس رمضان پورے محلے دی اس نو مولا زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما اور جاری و ساری رکھن دی مولا انہاں نو ہمت جوت عطا فرما جتنے مومنین حاضر مجلس ہیں بے نیاز اللہ دلی حاجات شری قبول فرما مالک انہاں تک نہ اٹھائیں جنہاں تک تیرا ولی علی نہ راضی ہو جائے ربنا تکبل دعا مین نکان تسمی العلیم سلوات سارے سرکار دی ذات دی موالی کافی تشریف فرماؤ بچوں تھوڑیاں بندیاں سلوات پڑھیے سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے سلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات سارے پڑھو نماز ہے سرا عملاں دا زندگیاں ہمن مولا تن رنگ لائے صحیح تن وستیاں رکھن نماز ہے سرا عملاں دا ایمان دا تاج علی نماز صحیح یا باطل دی کرنی پہچان علی سلوات بغیر نماز نہیں ہوندی تے فرمایا ذات جلیے نماز جوز کلام اللہ دا پورا قرآن علیے بسم اللہ کرام واہ واہ بہت پیارے لوگ تشریف فرماؤ جی پھر پڑھ دینا نماز ہے سرا عملاں دا ایمان دا تاج علیے نماز صحیح باطل دی کرنی پہچان علیے عرض کریاں سلوات تے فرمایا ذات جلیے نماز جوز کلام اللہ دا پورا قرآن علی یا علی تواڈی محبت ویکھ کے عشق ویکھ کے عقیدت ویکھ دیا ہویا موالیاں نے حیدر قرار 17-4 میں ہور پڑھنیاں چاہتا ہوں قرآن دی روح نال بابا صادق شاہ جی قرآن دی روح نال پڑھنا چاہنا عرض کر رہے ہیں تو لیں گے عمل جس میں وہ میزان علی ہے زندگیاں ہون مولا تن رنگ لہمن سخی تن وسیا رکھن تو لیں گے عمل جس میں وہ میزان علی ہے مومن اور منافق کی پہچان دنیاؤں کے گناہگار
क्या चीज है नकी, सच पूछो तो नबियों का ईमान अली है। सलामत हो अली अमीर अल मोमिनीन, लंगरे समानो जमीन, अंगुश्तरीए मुल्ला दा पाक नगीन, अली शहनशाह मुर्तजा मुश्किल कुशा मज़हरे किबरिया। एक लफ्ज़ ज़्यादा, आने नबी जाने नबी शाने नबी निगबाने नबी, अली दे सर ते ताजे नबी, अली दे हाथ विच लाजे नबी। बंदे थोड़े बोले हो तो लफ्ज़ इस तू वड्डा आखना चाहना, अली अलैहि सलाम नाल गल करना मेराजे नबी। मिंबर मस्जिद कूफा, ऐसे बंदे काफ़ी होंदे मजलिस पाक विच जिन्ना मस्जिद कूफा ज़ियारत की थी। खिताए अरस्ते बिस्मिल्लाह, खिताए अरस्ते पहली मस्जिद है जिथे नबियां दे मुसल्ले ने। तुसी जाओ तो इत्थे लिखे है इत्थे चार पढ़नियां, इत्थे छे, इत्थे अठ, इत्थे दो, नबियां दे मसल्ले। कितना लुत्फ है फिर उस मस्जिद का जिथे नबी मसल्ले बचाए ने। सरकार दे बिल्कुल रोजे दे सामने नजफ अशरफ वादिये इस्लाम है जिथे 60,000 नबियां दियां कब्रां, 60,000 सवा लख नबीए ते 60,000 अंबिया वादिये इस्लाम विच मदफन। साल विच एक बारिश होंदी है, लोग इंतजार करते जे समझ आवे ते अपने अंदाज नाल कुछ ना कुछ आखे सोहनी जुबान विच। बारिश बट साहब साल च एक बारी होंदी है ते मुजतहिद ते उलमा भी इंतजार करते हैं। वो वादिये इस्लाम विच जिन्नियां भी कणियां डिगदियां वो मोती डिगदे। शाबाश वे जिंदगियां हुण तुहाडियां। मिंबर रसूल ते खड़ा ते मस्जिद ते मेराब खड़ा ते गुजरा वाला सैयदादा क्यों एडा चुप बैठे। जिंदगियां दराज होन मौला तू इस मान च रखे। लफ्ज़ अगला आखना चाहना, वो मोती दा नां दसना चाहना, स्वाद आवेदा तुहानू, ओदा नां है दुरे नजफ। शाबाश जिंदगियां होवन। अली अलैहि सलाम ने मिंबर से मस्जिद कूफा, मजमा बहुत बड़ा है, अंदाज मजमे का अपना होंगे सुनन दा, ऐ कई गल्लां करना विच बंदे ऐसे जिहड़े दवां हत्थां नाल सारे टेल नाल आते हैं, वाह वाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। कई पुर शरीर हुण असर होवे ते आंदे ने फिर पढ़े। चलो बंदे टुर गए ने कई, मैं अपनी जिंदगी 52 मुहर्रम मैं पढ़ चुका, 52 मुहर्रम मैं पढ़ चुका सरकार दे मेंबर ते, जेड़ा आना है फिर 53 पढ़। मैं बंदे अपनी जवानी चो भी वेखन जिन ऐसे अंदाज नाल लफ्ज़ चंगा लगना है कि बंदे आने सुन सदके सदके सदके, यानी इस अंदाज नाल गोडियां परने होके खलो के लोगों दस दिन। अज भी लोग है ने दोवें दोवें मुठा नाल आदि ने हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, अंदाज अपना है। मजमा बड़ा सी जी, अली सरकार तकरीर कर रहे सन विच एक बंदा बैठे सी मजमे के दरम्यान विच हारस हमदानी, ओदे चेहरे ते तरेली आ गई। सरकार रोक के गुफ्तगू आदि ने हारस हमदानी खड़ा हो, हमदानी खड़ा होया। सरकार आदि ने तेरे चेहरे ते तरेली, लुत्फ है इस लफ्ज़ दे विच। जेले सरकार पूछा तेरे चेहरे ते तरेली, वेख के आवाज दे के दा मौला तुसा वक्ते नज़ा दी तस्वीरी इंज दी वहाई है। हाय 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 हाय, मैनू तरेली आ गई, तुसा वक्ते नज़ा दी तस्वीरी इंज दी वहाई है, मैनू तरेली आ गई है। लो इत्थे लुत्फ है लफ्ज़ विच। आखिरी बंदे तक जेड़े पिछे खलोते ने दो लाना, जिंदगियां दराज होन, अशरफ मौला तेनू सेहत दे,
कुर्सी नेड़े लाया तो जल्दी ना आ जा। लो लुफ्स एक आखना चाहना हर बंदे दी तवज्जो, आखना ही नहीं पिया तवज्जो करो मेरे अल वेखो, सारे वेखते पे हो तवज्जो विच भी हो। बहुत प्यारे लोग सच्ची फरमाओ जिंदगियां दराज होन तुहाड़ियां, सिर वे आखना तेरे चेहरे ते त्रेली मौला तुसा वक्ते नजा दी तस्वीर ही इंज दी वहाइए मैनू त्रेली आ गई है सरकार दिन हमदानी जे उस वेले मैं अली तेरे सराहने आवां ते जिंदगी और तुहाड़ियां मौला तुहानू वक्त करे। सारे बोलो सारे शाबाश आमदानी, अगर उस वेले मैं अली तेरे सराहने होवां मौला तुसी सराहने तो फिर फिक्र की। सरकार ने हमदानी याद रख हर मरण वाले दे सराहने मैं अली होंदा। अगला जुमला बड़ा प्यारा हमदानी पूछे इन्हें आख्या सरकार जेड़े तुहानू मनदे ने उन्होंने सराहने तो ठीक है तो जेड़े नहीं मनते उन्होंने भी सराहने। सरकार आवाज दे के कहना हाँ हमदानी जेड़ा मैनू मनदा है वो भी सराहने, जेड़ा नहीं मनता जेड़ा भी मरदा हो मैं वो सराहने आना। हमदानी जड़ियाँ दो वजह ने मौला बयान करो सरकार ने पहली वजह है वे मेरे सराहने आने की, जेड़ा मैनू नहीं ना मनता मैं इतें ही वहा के टोरना अपनी जगह जरा वेख लै। शाबाश भाई जिंदगी आने तुहाड़ियां मौला तुहानू रंग लाए। सलामत हो तू मैनू मनिया नहीं अपनी जगह सजाण लै ते जेड़ा मैनू मन रहा उन्हों में वहा के टोरना मैनू मनिया ही जरा अपना मकाम वेख लै। ते मौला दूजी वजह सरकार आवाज दे कह रहे हमदानी दूजी वजह मेरे सराहने होने की कुरान के त्रीए सिपारे च सूरत अल कदर है अल्लाह दा कुल रूह अमरे रब्बी ने इलम दोस्त लोग कुल रूह अमरे चूंकि रूह ने अमरे रब्बी रूह ने अमर दूजी वजह मेरे सराहने होने की वे उन्ना तक फरिश्ता अमर नू कब्जे च ले ही नहीं सकता जिन्ना तक ओ ले अमर इजाजत ना दे। सलामत हो और दुनिया का मुसलमान तेरा जाना ही अली दी मर्जी नाल है। दर्जात बुलंद होवन हैदर अब्बास रिजवी दे बहुत प्यारा मदा खान दस बारह साल की उसकी सर्विस थी लेकिन उस बंदे जंप ले सादिक हुसैन शाह जंप उस बंदे ले सोना सैयद फिर नानके चंगे कार सर शायद तुम याद होवे बाबा खादम शाह बुखारी दर्जात बुलंद होन उन्होंने ये नवासा सी वजीराबाद होते सड़ो उन्होंने हिस्सा पहला खुआया उन्हें खादम शाह आफजाबाद वाले आफजाबाद तो फिर शाह जी चले गए सन वजीराबाद। वैसे उन्होंने अबाई गाँव जोड़ा सी जिले सियालकोट से दादू वाली एक पिंड है बेगो वाले अड्डे के नाम सादिक शाह उत्थे सन बाबा सरकार उन्होंने दूसरा सी हैदर अब्बास भी मौला दर्जात बुलंद कर। अगर सारे कोशिश करिए एक बारी उन्होंने वास्ते हैदर अब्बास रिजवी वास्ते सूरत फातिहा बेनियाज अल्लाह इस कलाम का सवाब हैदर अब्बास रिजवी के नामा माल दर्ज फरमा सैयद के दर्जात बुलंद फरमा और खसूसी दुआ है वो बच्चों वो लवायकीन मौला सबर जमी लगा उस बादशाह का सदका करके जड़ा सबर का खालक है जड़ा सबर का बादशाह मौला सबर जमी लगा। आओ वे पुत्र क्योंकि रमज़ान है
ते दो बच्चे नौजवान ते एक बुजुर्ग जिन्हें मशवरा दिता है एक कसीदा अपनी मर्जी का पढ़ लियो ते एक साड़ी का पढ़ छोड़ो। मैं क्या बिस्मिल्ला भाई तुसा गल की है शादी से कबूल करने हालांकि इस कसीदे की कसीदा मैं इस साल हो गया पढ़द्या लेकिन पढ़िया सिर्फ रमज़ान से जाता है दूजा साल नहीं यानी दूजे जड़े नौ महीने ना जी या ग्यारह महीने उन्होंने नहीं रमज़ान चढ़ना है रमज़ान दिया जिन्या मिसा पढ़निया ने उन्होंने फिर एक कसीदा पढ़ना पिछले साल तो मैं पढ़ लिया ऐतकी भी पिछला जुमे एक मजलिस इत्थे ही होई ऐसे मैंबर से ही मैं पढ़ के गया तो रमज़ान दिया जिन्या मिसा पढ़िया ने मैं उस कसीदा पढ़ लिया क्योंकि पढ़िया ही रमज़ान से जाता क्यों रमज़ान विच गल रोज़े की आती है लो फिर लुत्फ की गल है फिर रमज़ान भी हो रमज़ान पूरा भी हो गल रोज़े की है तो मशवरा तुहानू देना चाहना सैयदा हक बनता है मशवरा देना मशवरा चंगा जिन्ना अगे सुने है वह फिर दोबारा वसूल कर जिन्ना नहीं सुने वह पहली बारी वसूल कर तो यह नहीं वसूल कर जिमें हूँ ही पे सुनने स्वाद ही बड़ा है कि अज इक्की रमज़ान हो मेंबर रसूल का हो मस्जिद का महराब हो सैयद पढ़न वाला हो मुख्तार शाह कंग हो मजमा चंगा हो जी मजमे चंगे दे क्योंकि छे सुबह छे बजे का टाइम इंशाल्लाह अठ दस साल तू मैं पढ़ रहा एक साल मैनू इन्ना लेट किया छे तू साढ़े छे तो लै के कोई मजबूरी सी लेकिन उस तो बाद जदों भी छे बजते आंदने शाह जी आ जाओ अपने वादे के मुताबिक तो वाह वाह सफ़र करके आ भी देना मैं और राती पिंडी पट्टिया सा उतों मैं चलिया मैं क्या वादा छे बजे का तो पाँच मिनट पहला छे तू पहुँचना तो सखियाँ करम किया तो पहुँचे लो जी मशवरा पेश कर रहे एक नारा है दरी रोज़ा रख इस तू वड्डा और खालक ना राबते दा अंदाज कोई नहीं क्योंकि रखण वाले नूं पता है तो जां उस बेनियाज नूं पता फिर रोज़ा एक ऐसी इबादत है दूजियां इबादतां उन्ना चिर ने जिन्ना चिर करते रहो सवाद दी गल है रोज़ा रख के बंदा सौं भी जाए इबादत होंदी रहे दो ही ऐसा इबादत ने रोज़ा रख के समझो इबादत होंगी रहो लो जी गल अगली करना चाहना फरमान रसूल के मुताबिक अली अलैहिस्सलाम नाल मोहब्बत रख के बंदा मर जाए गल मैं अगली आखनी है तुहाडे तक पैगाम पहुंचाना अली अलैहिस्सलाम नाल मोहब्बत रख के बंदा मर जाए क्यामत तक कबर च सुता रहे इबादत होंगी रहे ते गौर करनी है सिर्फ खाण पीन का ही रोज़ा नहीं रखना पिसर की टुकर खा लिया सत गिलास लस्सी पी ली एक कौला दही का खा लिया तो आख्या जी रोज़ा गुजर जाए लेकिन नहीं सिर्फ रोज़ा है खाण का ही नहीं रखना सैयदा मिन्नत करना चाहना बड़ी गौर की बुला खुदा डेंदा कड़ई गट मार
शाबाश मुतमैना जिंदगियां होवन मौला तनु जिंदगियां देवे गाल थोड़ी जी अगे बताना चाहना गल अगले बताना चाहना ज़ेन बुलंद करने ते बुलंद आवाज ना प्यादा किबला शाबाश मैं एक बंदे ने पूछा भाई जी किथे गए सो उन्हें कहा शाह जी रोजा बलान मैं किस तरह उन्हें कहा आओ संभाले लोग पासा खेड़ते ने मैं क्या चलो दिहाड़ी पासे की बाजी लाने हाँ रोजा चंगा गुजर जाए ना भाई ताश खेड के रोजा नहीं बुलाना गजी चारा खेड के रोजा नहीं बुलाना पासा खेड के रोजा नहीं बुलाना रोजा रखना है फिर सारे जिसम का रोजा रखना जिंदगियां होवन अजान होवे हय्या अलस्सला दी आवाज होवे ते तू मस्जिद विच होवे ता ही तो ऐलान करके बुलंद आवाज ना पे किबला सब कुछ ता कबूल होंदे अली दे घर विला होवे शाबाश शाबाश ये सब कुछ ता कबूल होंदे अली दी घर विला होवे लफ्ज़े विला नु ज़हन च रखना ते एक पैगाम तुहाडे तक पहुंचाना चाहना है ना गौर साईं लो जिंदगी दराज होवे नारा हैदरी मैं प्यारे ले दा दिल विच सांब सांब रखा मैं प्यारे ले दा दिल विच सांब सांब रखा मैं प्यारे ले दा दिल विच सांब रखा मैं प्यारे ले दा दिल विच सांब सांब रखा मैं प्यारे ले दा मजमा चंगा मेंबर सोना साउंड ठीक साउंड भी ठीक मजमा भी बड़ा प्यारा मेंबर रसूल ते खलो के मोतरे पूछ सकता है अली सरकार दा प्यार बड़ा साम के भी रखते हो दसो ते सही तारफ करा के अली है कौन
सादियां लफ्जां तारफ कराना चाहना आखिरी बंदे तक जिन्हों समझ आवे अपने अंदाज ना तईद करे बुलंद आवाज ना प्यादा किबला ओ है प्रेर साडा जेड़ा काबे दा काबा शाबाश शाबाश जिंदगियां होवन शेर मुकम्मल कर रहे हैं बड़ी गौर किबला ओ है प्रेर साडा जेड़ा काबे दा काबा नबी भी झुकदे लो फिकरा अगला आखना चाहना सारे बंदे बोलन पूरे टेल नाल बाबा जी ने नारा लवाए क्योंकि ज़ईफी भी जवानी में बदल जाती है इश्क़ अली हो इश्क़ अली हो क्योंकि बंदा बरेरा होवे ते नी वारी हा हा करदा ही नहीं कमाल कर दी बुजुर्गां दी जिंदगी नाराज होवे ते सेहत तो सलामती होवे सरकार महराज ते गए गल तुहाड़ी सुनी सुनाई हाथ बार आया मुंदरी भी नजर आई सरकार आख्या हाथ भी वेखे है मुंदरी भी वेखी है पुछना चाहना आवाज कि दी है उस वेले हिजाब तू आवाज आई किबला मेरे सूरत अले है मेरे सीरत अले है शाबाश जिंदगी आन शेर बहुत वड्डा है चंगिया लोकां च पे पढ़ना बड़ी गौर किबला मेरे सूरत अले है मेरे सीरत अले है मेरे सूरत अले है मेरे सीरत अले है मेरे अज़मत अले है मेरे नुसरत अले है मेरे अज़मत अले है बड़ी गौर मेरे नुसरत अले है पे आया किदा जली है सलामत कई रोंदे मर गए शाह कई रोंदे मर वैसन विच जमाने अपने दे वदे हुसैन हुसैन करे सन साडे बुजुर्ग रोंदे टुर गए असा रोंदियां टुर जाना है साडे बच्चे रोंदे टुर जासन नहीं गम मुकना ज़ैनब दे वीर सदके जावा भाई ए जी बिस्मिल्लाह करा बुजुर्ग टुर गए असा टुर जाना है रोंदे हाँ साढ़े बच्चे रोंदे टुर जासन नहीं गम मुकना ज़ैनब बीबी पाक दा चूंकि ऐ जड़ा वेल है ऐ वे पाक आलिया दी यतीमी दा आए सदके जावा ये तारीखा पढ़ो ना जी किताबा दा मतालिया करो ते सारियां लिखारियां लिखे सारियां लिखारियां लिखे के सुबह दे टाइम ते अली सरकार दा जनाजा उठे आ सैयदादा बिस्मिल्लाह आ जाओ बह जाओ पसंद की जगह ते बोवो मेरा पुत्र शाबाश जिंदगी दराज हो सजाद हुसैन मैं गल शुरू की है इस वेले दी अली सरकार मस्जिद कूफा च मिंबर ते बैठे अगर गौर कीती ते मजलिस इस लफ्ज़ ते हो जानी सरकार अपने हाथां नूं वेख बार बार सज्जे खब्बे कर
एक मोमिन मवाली पूछे मौला एडी गौर नाल हत्था नू वेख रहे हो ते तुहाड़ियां अखां भी धार हो गई सरकार आवाज ते कद ने हाथ यदुल्लाह वेख गौर ना रहा ते रोता रहा हाथ भी सलामत होवन ते ज़हरा नू तमाचे भी लगते हो हाय 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 सदके जावा भाई मौला तुहाडी जिंदगी फरमा जिस बंदे भी हाय कीती है छला अपने दुख च कदे ना रोहो जेड़े बंदे जायर बैठे हो मैं नजफ अशरफ सरकार दे रोजे ते अरबी जुबान च एक आयत लिखी ते मैं उदा तर्जमा पुछया ते आगा साहब दस्या पी इहदा मैना ए वे पी अली जेड़ा मजलूम कोई नहीं मैं आगा जी पाकिस्तान का बंदा गुजरात का रहने वाला मुख्तार शाह मेरा नाम है पूछना चाहना सारी जिंदगी हो गई है सुनदिया पिया हुसैन जेडा मजलूम कोई नहीं ते सरकार दे रोजे ते लिखे अली जेडा मजलूम कोई नहीं उस आख्या बिल्कुल सच्ची गल है अली जेडा मजलूम कोई नहीं क्योंकि मदीने शहर च अली दे गल विच रस्सी लोकां पाई है हाय हाय ते सरकारे अली अलैहिस्सलाम दी रस्सी नू छुड़ान वास्ते अली दे कमर बंद विच मुहम्मद दी धी ने हाथ पाया पूरी ताकत नाल कुल्ले इसमत ने चिकिया माफी मंग के लफज सवेर दा टाइम है एक जालम ने क्योंकि बीबी कमर बंद छड़दे ना एक मलून ने बीबी दे हाथ ते जरब मारी है और यही वजह सी बीबी जिन्ना तक जिंदा रहने सजे हाथ नाल तस्वी नहीं पढ़ सके ते गल फिर इदू मजलूमी दी होर की है आ जायो गल अजा फजर दा तारा ना ढलिया सदके जावा सदके जावा जी कहा मैं आदा अजा फजर दा तारा ना ढलिया लफज अगला औखा है वो गुजराने वाले आओ मैं आदा अजा फजर दा तारा ना ढलिया ते गया बखत ज़ैनब दा ढल गया बख्त ज़ैनब दा ढाले लगी प्यू दी तहतुल हनक वला वड़ला ज़ैर हसन नो बकिया हाले कीता कंबिया अरश खुदा दा उवे ले लगे मां जा दी दे आवाज़ा गाया जा फजर दा मैं करोड़ वरी आखा आवाज़ा गाया जा फजर दा मैं लख वरी आखा आवाज़ा गाया जा फजर दा तारा ना ढलिया ज़ैनबो कलसूम ने सैरी दे बर्तन नहीं संभाले ते आवाज़ बुलंद होई कद कोते लाला मीर अल मोहम्मदी आवाज़ा गाया जा फजर दा आए आवाज़ा गाया जा फजर दा तारा ना ढलिया ते गया बख्त ज़ैनब दा
डाले लगी प्यू दी तहतुल हनक वाला वड़ला वीर हसन नो जन्नतुल बकिया हाले कंबिया अरश खुदा दा वेले लगे माजा धीरे गैले आशिक लोग हो मसाहिब सुन दे आशिको हर आख तार हो गई है ए बंद मैं चीकरो आवाज़ दे आ जा फजर दा बखत ज़ैनब दा डाले लगी प्यू दी तातुल हनक वाला वड़ला वीर हसन नो गैले बड़ा जुमला बुजुर्ग आख्या दुआ मंगो ईद यतीम दी ते उजर यतीम ना जाए ईद दे नेड़े को शरीफ जादी यतीम ना होवे इस लफ्ज़ ते जिन्ना रोइए थोड़े मैं आदा कीती ईद फितर दी मुसलमाना ते सादात दी ईद मुका सादात दी ईद मुका आई पहली ईद औलाद अली नबी च कूफा प्यो दफन के जी कहा मैं करोड़ वारी आखा हवालांदा की तीद फितर दी मुसलमान ते सादात दी ईद मुका के आई पहली ईद औलाद अली नबी च कूफा प्यो दफन के हाय सारे करे आवाज़ दे रे हंस दे लोक बाजारां विच ते हसनैन यतीम आए रे हस दे लोग बदारा बिच हसनैन यतीम करा के खातून दीदी रही वैन कहने गल वीर शबीर नो थोड़ा जा हौसले नाल मनु सजाद हुसैन बारगाह च मैं दाखिल होया ते सजाद हुसैन रो के लफ्ज़ आखे सहरी जरूर पढ़िया सदके जावा लफ्ज़ ही बड़ा सहरी दा पी अली सरकार गुलदस्ता अजान ते अजान शुरू कीती सैयद ने अजान दीती पूरी कायनात च वाद अली बादशाह जिन्हें अपने कातल नू ठोकर मार के जगाया है सरकार ने उठ अपने काम की तैयारी कर आंदा मैं केड़ा काम करना है सैयद आवाज़ दे क्या दा मैं तेनों दसा तेरी बगल विच की है मैं तेनों ये भी दस सकना तू अज रात किदे कर रहे हैं मैं अली हाँ इमाम हाँ मैं भी दस सकना भी किस बीबी नाल तेरे निकाह दा वादा होया क्या मैं तेरा चंगा इमाम ने तू पाक रसूल को नहीं सुनिया जिदा मैं मौला ओदा अली मौला जवाब तो नहीं बट साहब दे सकिया जालम जवाब तो नहीं दे सकिया लेकिन उस वेले सरकार अजान तो बाद मसले ते आए तकबीरतुल हराम बुलंद कीती है जेड़े वे सरकार ने तकबीरतुल हराम बुलंद कीती पिछले पासों पिछली सब चाहिया सरकार पहली रकत दे रकू चाहे
ये दूजी सफ च आ गया। लफज समझे, सरकार सजदे च सर रखिया, ये अगली सफ च आ गया। पहला सजदा सजाद हुसैन अदा करके तेरा मुर्शद, दूजे सजदे सरकत है इस तलवार कड़ी, तेरे मुर्शद दे सर ते पूरे जोर नाल मारी। गुजराने वालों, अगर मैं अदब नाल इन दसा, जिस तरह कारी कुरान खोल दै, इन तेरे मुर्शद दा सार जुदा होया। आवाज आई ना, कद को तेरे अमीर अल मोमिनीन, उस वेले तारीख दे लफ्ज़ कसम है रब्बे मुहम्मद दी, बीबी कलसूम मसले ते जान पई, अली बादशाह दी वड्डी धी दरवाजे ते जान पई। बीबी सत वारी दरवाजे ते आई है ते सत वारी पिछा गई। दरवाजे दी आवाज आंदी, अली दी धी है प्यू जख्मी हो गई, आनी है फिर टुर जानी है। बीबी आवाज दे के आंदी, ओ मेरे बाबे दा दरवाजा, मैनू वो वक्त नहीं भुलदा जदों रात का वेला सी, मेरी माँ का जनाजा सी, मैं माँ के जनाजे थले बाहर रखी। उस वेले मेरे बाबे आख्या, हसन ते हुसैन पहना पैन नू अंदर छड़ के आए। हाए हाए हाए, एडिया हयावां वाली बीबी, मैं दा या ओली, अज तुसी दरवाजे ते भी आउण तू, माँ के जनाजे नाल भी निकल तू मना कर दे। उस वेले अल्लाह जाने किवें गुजरीए, जदू 9 लख बिच आती रहीए, मैं जहरा दी दी हाँ, मैनू चादर दे हो। मर जाने जहान छड़ जाने, जेड़े वे आवाज बुलंद हुई कोई लफज होंगे ने नाल ले जाने। अली अमीर अल मोमिनीन कतल हो गए, सारे लोग दौड़े ने मस्जिद अल। ए सवेर की गल है, लेकिन है 19 रमज़ान की सुबह की, सहरी का सिर्फ थोड़ा जहा वाकया एवं 4 या 5 मिनट का पढ़ के मैं सलाम कर लगा। सारे लोग दौड़े, हसन सरकार आए, बाबा कह जख्मी किया, अब आंद जे आ गया ना पहला नमाज पढ़ा। हसन कुछ ना बचे, दीन बच जाए। आशियो बड़ी औखी नमाज बचाइए अली सरकार ने, हुसैन बादशाह उदू औखी बचाइए। कोई शिया कदे भी जिंदगी नमाज नू ना भुले, जिंदगियां होन तुहाडियां। बस मैं एक वैन करके सलाम करना चाहना, मकान मेरे हिस्से दी बड़ी हो गई है। लफज अगला आखना चाहना, सरकार जख्मी प्यू नू चाह के टुरन ते शरबत आ गए। पहला अली कायनात च जिन्हें आख्या मेरे कातल नू पिला छड़, जिन्हों रोल ना आवे राय जरूर करे। केडे सबर आला, केडे हौसले आले ने अली अलैहि सलाम, जिन्हें कातल नू शरबत बनाया। मेरिया मावं भैणा इस गल नू जरूर सुनन, मैं ना उस बीबी का हौसला केडा होवेगा और जिन्हें प्यू दे कातल वास्ते शरबत बना के टोरिया है। केडे हौसले की बीबी मालक होवेगी, केडे हौसले की। बिस्मिल्ला बबा साईं, 29 जेठ दे मई दे मौला दे बहुत बड़े प्यारे मानी हाथ बन के गल, जिस वास्ते मैं मेहनत कर रहा, जख्मी पीऊ नू चाहया सैयदा दा कह के चाहया। अब आंदा मैं जाफर हाँ, मैं मुहम्मद हनफी हाँ, मैं अब्बास हाँ, हुसैन हाँ, हसन हाँ। अब आंदा सारे चाहो, हुसैन तू ना चाह। आवाज है मौला मैं भी तेरा पुत्र हाँ, मैं क्यों ना चाहवा। उस वे सईद आवाज दे कहता, एक दिन आना है तू लाशा चाह चाह के, थोड़े आज जख्मी फी उन्होंने चाह। चाह के दरवाजे ते आए ने, बिल्कुल एक मिनट की गल करना चाहना, बाबा मकबूल जी गौर करे, दरवाजे ते आए ने सईद आदा अब्बास, जल्दी ना दरवाजा बंद कर। इस लफज ते हाय जरूर करे, मेरी जैनब दे वैन दा आवाज अस्वाबियां तक ना पहुंचे। त्रैवे तियां दौड़ के प्यू दे गल ना लगियां, सैयदा दा जैनब ती इंज नहीं जिवें मेरा दिल है उंज गल आ। बाबा किवें आवांदा सर तू चादर हटा, बाबा रुत दूर है, आवांदा मैं दा हुण हटा, बीबी चादर हटाई है, आवांदा तेरे भी सदके, तेरे वीर हुसैन दे भी सदके, सदके जावां। सैयद आवाज दे क्या दे, मर जावा बाबा साईं
सर चुमदे हो नाले रोंदे हो, जिले आखना सर चुमदे हो नाले रोंदे हो। सैयद तड़प के आ गए ने टुरना सौड़िया गलिया विच सोहनी मजलस साई तुहाडे इश्क विच अज़ाफा फरमावन, तुहाडी मकान मौला मंजूर फरमावे। सारिया धीआं ते सारे पुत्र कोल ने, सैयदा दा इक लाहवे वास्ते मेरिया धीआं ते पुत्र मेरे कोलों जुदा हो जो, मेरे शरीफ अब्दुल्ला दमाद नूं आखो मेरे कोल बह जावे। सरकारे अब्दुल्ला कोल बह गए, मैं तेरा की लगदा, तुसा मेरे चाचा हो, सरपरस्त हो, मौला हो, मैं परवरिश तुहाडी झोली च कीती, तुसा पालिया मैनू, मेरे इमाम हो। सरकार आदने जी इमाम बन के नहीं, अज मौला बन के नहीं, सरपरस्त बन के नहीं, चाचा बन के नहीं, अज तेनू सवाली बन के मंगदा। एक रात का मैं मेहमान रह गया हूं, मैं टुर जाना है, मेरे तू बाद हसन नु जहर मिल जानी है। 28 रजब होनिया डीगर दा वेला आना ही, मेरे हुसैन वतन छड़ना ही। अब्दुल्ला मंगदा ये गल, मिन्नत करदा जदों हुसैन वतन छड़े ज़ैनब नु नाल टोर छोड़ी। आए ये गल्लां करके पे रोंदे आन, जब पिछे रोन की आवाज़ आई एक बच्चे की, वादा मौला तुसी पुत्र नाल गल्लां पे करदे तो उधर क्यामत आने वाली है। आवांदा की होया, अब्बास दे हाथ विच नंगी तलवार है, ना बाहर जांदा ते ना अंदर जांदा। सैयद सड मारी अब्बास, अब्बास की सीन मुकी नहीं, गादी तलवार सड के आदा मौला हुक्म। अब्बास की बनाया ही, मौला गैरत खा गई है, बाहर जांदा ते जहरा दिया दिया वजन नहीं देंदी, अंदर जांदा ते मां बाह नहीं देंदी। की आख दिया मावां दा, सत वारी मेरा बाजू चुम के आ दी, इत्थे आ जख्मी तैडी जिंदगी विच, ते दुनिया ते हाकम तीने मेरा बाजू नप के पुछदी मेरी अंबड़ी उमर बने। ਖਤਮ ਲੈਨੇ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੀਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਬਸ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਤਵਜੋ ਹੋਏ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਬਹਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਯਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਨ ਇਹ ਚਾਰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜੰਨਤ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਕਾਫੂਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਟਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਟਿੱਕੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਵੀ, ਅਤੇ ਹਸਨ ਚੌਥੀ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਦਰਦਾਲਿਆ ਟਿੱਕੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਸੈਯਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਕਾਫੂਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੈਯਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋ ਨਾ, ਕਫੂਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਪਾਵੇ। ਆਏ ਆਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਫਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਆਈ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਬੀਬੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਸੈਨ ਰੋ ਨਾ, ਨਾ ਦੇ ਨਾਨਾ ਕਫਨ, ਨਾ ਦੇ ਮਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਕਫਨ, ਨਾ ਦੇ ਪਿਰਾ ਹਸਨ ਕਫਨ, ਨਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਕਫਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਕਫਨ ਪਵੇ ਸਾਂ। ਸੈਯਦ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ, ਰੋਣ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਿਆ
ਆਖਿਆ ਚਾਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੈਯਦ ਵਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਏਡਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੋਣਾ। ਸੈਯਦ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਬਲਾ ਮਜਲਸ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਵਕਤ ਹੋ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਤੜਪ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿਬਲਾ ਕੂਫੇ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਪੇਕੀ